निर्मला देवी मेमोरियल राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ अनु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में मुख्य अतिथि राजेश शर्मा असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की अध्यक्षता में हुआ। एचपीएफए राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर हमीरपुर जी मैग्नेट के खिलाड़ियों ने शिमला के खिलाड़ियों को 2-0 से हराया। निर्मला देवी राजकीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ अनु के सिंथेटिक ग्राउंड में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजेश शर्मा असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एलिमेंट्री रहे। एचपीएफए की राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ में मुख्य अतिथि का पहुंचने पर स्वागत किया गया और उन्हें शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। टूर्नामेंट के शुभारंभ पहुंचे मुख्य अतिथि राजेश ठाकुर ने दी मैग्नेट स्कूल के प्रयासों की खूब सराहना की और कहा कि दी मैग्नेट स्कूल के इन बेहतरीन प्रयासों की वजह से फुटबॉल की गेम को प्रदेश में खूब प्रोत्साहन मिल रहा है। इस मौके पर उपस्थित एचपीएफए के सेक्रेटरी दीपक शर्मा ने भी दी मैग्नेट के प्रिंसिपल अरुण चौहान को बधाई दी और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि दी मैग्नेट ने इतने खिलाड़ियों के रहने और खाने का इंतजाम किया है, साथ ही दी मैग्नेट ने हमीरपुर में इतनी बड़ी प्रतियोगिता करवाकर खेल को प्रोत्साहित भी किया है। हमारे जो मैग्नेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने अपनी मदर जो श्रीमती निर्मला देवी है उनकी पुण्यतिथि पे इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो है पूरे हिमाचल से जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है उनको हमने बुलावा दिया था, वो आए हैं। 2 अकेडमी आई हैं, कुल मिला के 11 टीमें इसमें भाग ले रही हैं और इसका जो हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ है और जिला फुटबॉल संघ हमीरपुर है उनके सहयोग से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो विजेता टीम रहेगी उसके लिए जो भी हमने रहने खाने पीने का और इनाम जो देंगे वो मैग्नेट स्कूल, हमारा जो मैग्नेट स्कूल है उसकी तरफ से हम लोग जो हैं इनको इनाम देने की कोशिश कर रहे हैं और दे रहे हैं। पहले दिन ग्राउंड में कोई भी गोल नहीं हो सका। पूरे मैच में ऊना और बिलासपुर के खिलाड़ी बॉल को गोल तक पहुंचाने में असफल रहे और मैच बराबरी पर छूटा। पहले मैच में गोल का सूखा सोलन ने अपने दमदार खेल से खत्म किया। इस मैच में सोलन ने कुल्लू को 5-0 से धो डाला तो वहीं तीसरे मैच में हमीरपुर दी मैग्नेट ने शिमला को 2-0 से हराया। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।